दोस्तों, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुत्ते की आवाज़ सुनाई दो, तो हो सके उसको इग्नोर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पिकसिम्प में, और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ रईस के बारे में। आप तो जानते होंगे कि रईस आने वाली है। तो रईस तो एक फ़िल्म है, लेकिन फिल्म में हीरो कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। दोनों में से कोई एक है, या तो सलमान खान या तो शाहरुख खान। देखते हैं कौन हीरो है। मेरे पास ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैं लिखता हूँ रईस कौन है उसमें हीरो। इसका स्पेलिंग क्या है यार, ये रहा। तो हाँ, किंग खान है यहाँ पे हीरो। किंग खान ये है कि वो है, देखिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर रईस का हीरो सलमान खान होता तो कैसा होता। क्या आप वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ फोटोशॉप खुला हुआ है, और यहाँ प्रमोशन के लिए मेरे पेज का नाम खुला है, तो इसे बंद कर देते हैं। और जो डेस्कटॉप है वहाँ पे मैंने दोनों ही फिल्म की, एक रईस और एक बजरंगी भाईजान का पोस्टर डाउनलोड करके रखा है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम प्लीज़ मत डालिएगा। तो ये रहा रईस, तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ फोटोशॉप में। तो इसे ड्रैग करूँगा फोटोशॉप में, यहाँ पर ला के छोड़ दूँगा। आ गया पोस्टर फोटोशॉप में। अभी हमें क्या करना है, आपने तो गेस कर ही लिया होगा, और आप मुझसे भी इंटेलिजेंट है। तो ये जो फेस है यहाँ पे, हमें सलमान खान का फेस लगाना है। तो वो कैसे करेंगे? मैं हमेशा आपको स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप फेस के साथ काम करें। फोटोशॉप में कोई भी काम करे, ग्रिड्स के बिना तो काम ना करे। तो अगर आपके पास ये रूलर नहीं दिख रहा है, तो सोचिए ये नहीं दिख रहा है, तो रूलर कैसे लाना है? कंट्रोल के साथ आर दबाइए तो ये रूलर आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक गाइड खींचेंगे, और यहाँ पे उसके फेस के एज पे लाके, बाल पे नहीं जाएंगे, फेस के एज पे लाके एज अ रेफरेंस पॉइंट छोड़ देंगे। तो ये गाइड हो गया। एक और यहाँ से खींच के लाएंगे, फेस के एंड में छोड़ देंगे, ठीक है। और एक फेस के ऊपर में लाके छोड़ेंगे, फेस जहाँ पे बैकग्राउंड को टच करेगा, और एक चिन में लाके छोड़ देंगे। तो ये एरिया है जहाँ पे शाहरुख खान का फेस है, तो हमें इसे चेंज करना है इस एरिया पे। लग नहीं रहा मैं थोड़ा सर्जरी जैसा कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम कट्स बना के। चलिए छोड़िए वो सब बात, अलग बात है। चलिए अब मैं इंपोर्ट करता हूँ सल्लू भाई का पिक्चर। तो इसे ड्रैग करेंगे फोटोशॉप में, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे पेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एक अलग फाइल इसका बनाएंगे। तो अलग फाइल बनाने के लिए इसको ऊपर लाके छोड़ेंगे। जब तक कि कॉपी साइड में लिखा हुआ नहीं दिखाता, तब तक आप इसको पेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए पहले की तरह यहाँ पे लेयर्स करके कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। विंडोज़ में जाइए, इधर लेयर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ये लेयर्स आ गए। अब मैं लेयर्स को हमेशा यहाँ रखना प्रेफर करता हूँ, मैं लेयर्स को यहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है, ये लेयर जो है ये बैकग्राउंड लेयर में है, तो ये लॉक्ड है। पहले इसे अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के लिए बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी बताया था। इसको डबल क्लिक करेंगे, लेयर का जो भी नाम आपको रखना है रख देंगे, ओके कर देंगे। अभी के लिए ये सब कोई मैटर नहीं करता। तो हमें ये फेस को सिलेक्ट करके इस जगह पे पेस्ट करनी है। तो हाँ, और मैं भी ये भी बता दूँ, ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं ये गाइड्स हैं। ये जब सेव करेंगे तो ये लाइंस दिखाई नहीं देती है, या फिर आप इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फेस है हमें पेस्ट करना है। हालांकि ये फ़ोटो उतनी अच्छी क्वालिटी है नहीं, मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत खोजी। तो आप लोग को अगर मिले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले तो आप, हाँ, आप ये ट्रिक अपने फेस के साथ भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे सिलेक्ट करना है, तो कोई ज़्यादा टाइम इधर मत लीजिए, एक रफ सा बाहर बाहर थोड़ा सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, मैं आपको ये बता दूँ, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, लैसो टूल, पॉलीगॉन लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो इस केस में आप पॉलीगॉन लैसो टूल ले सकते हैं, और या लैसो टूल ले सकते हैं। मैग्नेटिक लैसो टूल इस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो लैसो टूल से आप डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो पॉलीगॉन लैसो टूल है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, उसे एक एक शार्प एजेस में सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सब अभी मैटर नहीं करता, क्योंकि बाद में हम इसको रिफ़ाइन करने ही वाले हैं। तो इसको ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक जो बॉर्डर है वो हिलता हुआ बॉर्डर, एक चीटियों की तरह एक बॉर्डर दिखाई देगा। तो मतलब वो एरिया इस फोटो में सिलेक्ट हो चुका है। तो सिर्फ इस सेक्शन को जो है मैं ये कॉपी करूँगा और इसमें पेस्ट करूँगा। तो कॉपी करने के लिए बहुत आसान है, कंट्रोल प्लस सी दबाइए, ये कॉपी हो गया, ठीक है।
और इस पिक्चर में मैं गया और इधर कंट्रोल के साथ वी दबाया, जैसा कि नॉर्मल फाइल्स के साथ होता है, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। तो अभी ये सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा भी हमें नहीं चाहिए, इसका बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। तो ये ग्रिड्स हमने इसी मौके के लिए बनाई हैं कि हम सर को एडजस्ट कर सके। तो सर को एडजस्ट करने से पहले हमेशा इसको राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ये क्यों? ये मैंने पिछली बार बताया था कि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आप गलती से अगर इतना छोटा करके एंटर मार दिए और वापस अगर आप इसको इतना बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेटेड हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, इसकी क्वालिटी घट जाएगी, पिक्सल्स घट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, इसीलिए हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसको गाइड्स के हिसाब से देखिए, इस एज में फेस का ये साइड होना चाहिए, फेस का फेस एंड होना चाहिए, कान को छोड़ के फेस एंड होना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है। इधर से भी मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा करते समय ध्यान हमेशा ये रखिएगा कि शिफ्ट दबा के रखें, शिफ्ट बटन अगर हम नहीं दबा के रखते हैं तो होगा क्या कि थोड़ी सी अगर गलती हो गई तो चपटा या फिर लंबा हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो शिफ्ट दबा के रखिए और इसे छोटा कीजिए। देखिए हेड के प्लेसमेंट के बारे में ध्यान मत दीजिए, तो ये हेड का ये साइड यहाँ पे, इसको और छोटा करता हूँ मैं, तो हेड का ये यहाँ पे और थोड़ा छोटा करता हूँ शायद। हाँ अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, उतना भी परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। सलमान खान के बाल थोड़े साइड से निकले हुए हैं, वैसे शाहरुख खान के भी निकले हुए हैं, बट या अब इसे अरेंज करते हैं इसके ऊपर, इसकी ओपेसिटी ज़रा घटा देते हैं तो इसके ऊपर पता चलेगा कि इसके ऊपर कहाँ पे आ रहा है। तो पिक्चर को जूम आउट करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, रफली कैसा लग रहा है, कि साइज़ वगैरह ठीक है कि नहीं। ज़रा ठीक लग रहा है, फेस थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो उसको सीधा करने के लिए बहुत ही आसान है। कॉर्नर में अपना कर्सर ले जाइए और जब ये बेंट कर्सर दिखेगी आपको, इसको क्लिक कीजिए और हल्का सा इसको हम घुमा देते हैं। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, फिर भी अगर मैं कहूँ थोड़ा बेंट है, लेकिन थोड़ा सा और भी इसको ये रहा, अब हल्का सा सही लग रहा है। अगर मैं इधर से भी रोलर लेके आऊँ तो आँख अलाइंड है, आँख अलाइंड है, इधर से मुंह देखता हूँ, मुंह भी लगभग लगभग अलाइंड है। थोड़ा और अगर मैं कर दूँ तो शायद सही रहे, अब ये सही लग रही है। तो चेहरा का प्लेसमेंट अभी देखते हैं, तो इसको मैं ऊपर नीचे करके देखता हूँ, ये नीचे सही लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर करूँगा, थोड़ा सा यहाँ तक सही लग रहा है। तो चेहरे का साइज़ भी ठीक है, चेहरे का साइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए साइज़ तो सही है, थोड़ा बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ ठीक है। अब हल्का सा हम बड़ा कर देंगे, क्यों? क्योंकि जब हम फेस के साइड्स को डिलीट करेंगे ऐसा ना हो कि शाहरुख खान का फेस दिखाई दे, तो उसको हम हल्का सा हमने बड़ा कर लिया, इसकी पोजीशन भी ठीक लग रही है। ठीक है, इसको फाइनलाइज़ करते हैं। अब एक बार आपने पोजीशन जब फाइनलाइज़ कर लिया तो वापस इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने जो कन्वर्ट किया था, वापस इसको रैस्टराइज़ करते हैं, वापस पहले जैसा करते हैं। तो पहले जैसा करने के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रैस्टराइज़ लेयर कर देंगे। तो होता क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में कुछ उसका पार्ट डिलीट भी नहीं कर सकते, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वापस हमने पहले जैसा कर लिया, पिक्चर को हमने और जूम कर लिया, जितना भी जूम करेंगे आप उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा, और इसको हम अब डिलीट करेंगे, एक्चुअली डिलीट नहीं करेंगे, हाइड करेंगे। हाइड कैसे करेंगे, ये लेयर को सिलेक्ट करे रखे हुए, इसको सिलेक्टेड, तब उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, ये मास्क का सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे तो लेयर का एक मास्क हो गया। तो आपको पहले भी मैंने बताया था जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ ये लेयर दिखाई देगा, जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ ये लेयर नहीं दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्रश में ब्लैक लेता हूँ, ब्लैक लिया हुआ है मेरा, अब मैं ये लेयर को मास्क को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो क्या हो रहा है, पीछे वाली लेयर दिख रही है, मतलब शाहरुख खान की फेस दिख रहा है, अब ये जॉम्बी जैसा थोड़ा लग रहा है, वापस पहले जैसा कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने किया, देखिए यहाँ पे भी काला हो गया ज़रा सा, तो मतलब यहाँ पे ये लेयर नहीं दिख रहा है। तो हम ये साइड साइड से धीरे धीरे पेंट करते चले जाएंगे।
इसका फ़ायदा ये है कि गलती से हमने ये ठीक कर रहे हैं, एजेस ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलती से हमने कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया, तो आप वापस से वाइट सिलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। अगर आप डिलीट कर देंगे तो आप ये नहीं कर सकते, बाद में आप इसको रिफ़ाइन कर सकते हैं। मास्क का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो धीरे धीरे हम इसको डिलीट कर देते हैं या फिर इसको हटा देते हैं साइड से। मैं ये रफली कर रहा हूँ, आप अपना टाइम लेके कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है, ये बहुत रफली है, एकदम सही नहीं लग रहा है, मुझे भी पता, आप भी सोच रहे होंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो फेस को हल्का सा मैं बड़ा करना चाहूँगा यहाँ पे, ये ठीक लग रहा है। पोजीशन देख लेते हैं ठीक है कि नहीं, पोजीशन भी ठीक लग रहा है, हल्का सा ऊपर कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया है, इसको वाइट से मैं वापस लेके आता हूँ, ठीक है। तब तक मैं ये वीडियो फास्ट कर दूंगा, आप अपना टाइम लेके कीजिए, मैं अपना टाइम लेके इसको अच्छे से करता हूँ। तो दोस्तों लगभग लगभग एक रफ़ सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जो फेस का कलर है वो पोस्टर के कलर से अभी भी मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम ये जो गाइड्स हैं इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे अपने आगे की एडिटिंग पे। इसको हटाने के लिए डायरेक्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये वाले टूल को सिलेक्ट करूँगा, अब इसके ऊपर ले आऊँगा, जब ये ऐसा एक आइकन दिखाए इसको खींच के ऊपर लेके चले जाऊँगा, इसको भी खींच के ऊपर ले जाऊँगा। ये हो गया डिलीट। अभी करना ये है कि फेस को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है, ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, ये कुछ हल्का सा डल है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते जाएंगे। तो लेयर जो है उसको मैं खींच के यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे आसानी हो कि कौन से स्टेप में हमने क्या किया है। तो सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे, तो ये एडजस्टमेंट लेयर होगा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का, ठीक है। इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इससे होगा क्या कि जो एडजस्टमेंट लेयर है इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ इसी लेयर को, मतलब सलमान खान के फेस को ही ये इफेक्ट करेगा, हम नहीं चाहते कि ये नीचे वाले पोस्टर को भी इफेक्ट करे। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के लिए ये जो आइकन है यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ खुल गया ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का। तो ब्राइटनेस इसके हिसाब से अरेंज करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ा कम है पोस्टर में तो इसको भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, तो ये हल्का सा सही लग रहा है। वापस नॉर्मल करके देखते हैं कैसा है, ये कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, इतना ब्राइट भी हमें नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा डार्क करना है। तो डार्क हल्का सा यहाँ तक ठीक लग रहा है, तो -30 हम रखते हैं इसका डार्कनेस। तो यार गलती हो गई, हाँ तो -30 हो गया डार्कनेस। कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा सा हम कम कर देंगे, थोड़ा जूम करके देखते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कम करने से शायद ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कम, तो -10 रखते हैं इसका कॉन्ट्रास्ट। अब ये धीरे धीरे मैच करेगा, देखते जाइए। अब ये हो गया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की बात, अब इसके बाद लेवल सेट करेंगे यहाँ पे। इसको भी वही प्रोसेस से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लेवल ऑप्शंस आएंगे। अब लेवल ऑप्शंस देखिए, जो इधर से करने से क्या होगा, जो हाइलाइट्स हैं पिक्चर में, जो लाइट पार्ट है वो और लाइट हो जाएंगी, इधर से करने से इसको अंदर खींचने से जो डार्क पार्ट्स हैं वो और डार्क हो जाएंगे। तो नीचे जो ये पार्ट्स हैं इसको इधर लाने से क्या होगा, डार्कनेस में भी हल्का सा लाइट आ जाएगा, इसको इधर से खींचने से लाइटनेस में भी हल्का सा डार्क आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला है ऊपर वाले के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड आप
इसके साथ खेल सकते हैं, देख सकते हैं कि किससे क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं जो डार्कनेस है उसमें थोड़ा सा लाइट लाऊं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रईस के पोस्टर में जो डार्कनेस है पूरी तरह ब्लैक नहीं है, हल्का सा ब्लूइश टिंट है, थोड़ा सा ग्रे है, पूरी तरह डार्क नहीं है जैसा कि सलमान खान के फेस में है। यहाँ पे देखिए बाल पूरी तरह डार्क है जहाँ पे डार्क है, आँख पूरी तरह डार्क है जहाँ पे डार्क है। हमें वैसा नहीं करना है, डार्कनेस में भी थोड़ा सा लाइट हमें लाना है। तो वो लाने के लिए हम यहाँ से हल्का सा इसको खींचेंगे, यहाँ तक मुझे लगता है कि ये ठीक है, और लाइटनेस में भी हल्का सा डार्कनेस चाहिए, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको, यहाँ तक मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अब इधर देखने क्या कर सकते हैं हम, हल्का सा शायद इधर से खींचने से अच्छा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ तक खींचेंगे, थोड़ा सा ब्राइट भी करें तो भी सही लगेगा, लेकिन नहीं ऐसा ही सही लग रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या सही लग रहा है आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके अब एक और एडजस्टमेंट करना है, एक और या दो और मुझे पता नहीं, चलिए करते हैं। तो लास्ट हमने क्या किया, लेवल्स, अब इसके बाद चलिए करते हैं कर्व्स। कर्व्स ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कर्व्स हमने ऐड किया, फिर से हम वही करेंगे कि क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे ताकि ये जो है आपके सिर्फ इस लेयर को इफेक्ट करें। तो कर्व्स में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लू। अब देखिए रईस के पोस्टर में हो क्या रहा है, जो शेडोज़ हैं आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे, अब शेडोज़ में देखेंगे हल्का सा जो है ब्लू का टिंट है। तो हमें फेस में भी जो शेडोज़ हैं, जहाँ जहाँ शेडोज़ हैं उसमें हल्का सा ब्लू का टिंट लाना है। तो ब्लू का टिंट लाने के लिए हमने यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट कर लिया। देखिए जितना भी जो लेफ़्ट साइड है वो शेडो है, जितना भी वो राइट साइड है वो हाइलाइट्स है। तो शेडो का अगर हमने हल्का सा ब्लू बढ़ा दिया तो देखिए हाइलाइट्स का भी बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये जो है कर्व्स का जो लाइन है वो बढ़ जा रहा है। तो हमें लाइन को बाकी जगहों के लिए, हाइलाइट्स के लिए नॉर्मल पे लाना पड़ेगा, सिर्फ शेडो के लिए ऊपर करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा पर्पल लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। जहाँ तक सही लगे वहीं तक इसको हल्का सा बढ़ाएंगे, हल्का सा यहाँ तक ठीक लग रहा है, वापस हाइलाइट्स को नॉर्मल कर देते हैं। तो हल्का सा इसमें भी ब्लू आ गया, बहुत, हालांकि ये बहुत हल्का है लेकिन हल्का सा है, मैं ऑन ऑफ करके बताता हूँ, बहुत हल्का, बहुत हल्का। लेकिन जितने आप हल्का इफेक्ट्स डालेंगे उतना ही पिक्चर आपका धीरे धीरे एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो ये हो गया हल्का सा कर्व्स का टिंट। अभी एक और इफेक्ट डालते हैं ह्यू सैचुरेशन का। तो ये इसमें जो है सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन मतलब कलर्स बहुत ज़्यादा है, बाकी पोस्टर में देखिए कलर्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो कलर्स यहाँ से थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। और इसमें भी मैंने इफेक्ट डालना भूल गया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क मैं कर देता हूँ। सैचुरेशन अगर मैं कम करूँ तो यहाँ तक लगभग सही लग रहा है, -20 कर देता हूँ मैं, मुझे राउंड फिगर का करना हमेशा अच्छा लगता है फोटोशॉप, पता नहीं क्यों। और जो ह्यू है, ह्यू करने से इसका कलर वगैरह चेंज होगा। तो हल्का सा हम ह्यू को भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, देखते हैं क्या अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा इधर करेंगे क्योंकि हल्का सा ये बैकग्राउंड ग्रीनिश भी है और ब्लूइश भी है। तो पहले ज़ीरो में वापस लाता हूँ, -0 में हल्का सा ऐसे बढ़ाते हैं, यहाँ तक लग रहा है ठीक है। तो 9 या 7 या 8 जो भी है, 9 सही लग रहा है, राउंड फिगर करना इधर नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गया शायद मेरे हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है ये सही लग रहा है। तो ये लगभग लगभग मैंने रईस के पोस्टर में, सलमान, रईस के फिल्म में सलमान खान को ला दिया है। आप अपने और फाइन ट्यून एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ये तो मैंने रफली एक बता दिया कि आपको कैसे करना है फेस चेंज, ये आप अपने फ़ोटोज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं, किसी और स्टार के फ़ोटोज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी ना हो और आपको बॉडी बिल्डिंग करनी हो और आप बहुत लेजी हैं, तो तुरंत आप अपने बॉडी में मसल्स ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फ़नी चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आप जितना वीडियो देखते रहेंगे मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।